Once again, a very, very, very warm good evening to each and everyone. And this is me, Preeti, on behalf of Kewa Kaipo Industry Private Limited. मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे heartily warm welcome करती हूँ. And specially आज काफी ज्यादा हम ऐसे कुछ inspiring चीजों के बारे में हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा inspiring और अच्छी होने वाली है. So now this is my screen which I'm going to share. And I believe कि जो मेरा स्क्रीन है वो विजिबल है. If yes, please do write it in the chat box so that I can know कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं है. Thank you so much, ma'am, for welcoming me, and I really welcome you also. Is my screen visible? Thank you so much everyone. And जैसे कि हम आज का ये जो हमारा सबसे टॉपिक जो हमें देख के यहाँ पे पता चल रहा है, जो हमें फर्स्ट स्लाइड देख के पता चल रही है, सक्सेस, हैव पेशेंस टू गेट सक्सेस. सो डेफिनेटली किसी भी चीजों के लिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पेशेंस काफी ज्यादा जरूरी रहती है. तो ऐसी कुछ इंस्पायरिंग मॉडल ऑफ द स्टोरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से हमें ये चीजें और भी अच्छे से, लाइक दूसरे पर्सन को भी, हमें उनको कन्वे करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें ये सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं. And, हम उनको कन्वे कर सकते हैं ये सारी मैसेजेस. सो क्या हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू वॉन्टेड टू गिव अप बिकॉज द थिंग्स आर नॉट गोइंग एट योर एक्सपेक्टेड पेस, जैसा हम चाहते हैं कि जो हमारी चीजें हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा ईटिंग हैबिट है, जो भी है, जो भी हमारी डिजायर्स है, वो ऐसे ही मतलब फुलफिल हो जाए बिना कुछ किए. तो कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें नहीं हुई हैं हमारे साथ और हम गिव अप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने, मतलब हम कितना भी ऐसा सोच कर रहे हैं बट ये हो नहीं रहा है. तो हम एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कभी कभी गिव अप करने का सोच लेते हैं. हैव यू एवर फेल्ट लाइक लीविंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू सी नो ग्रोथ? क्या आप ऐसा कभी, आपको फील होता है कि आप उस काम को छोड़ दे क्योंकि उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, इंस्टेंटली आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है इस वजह से? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही ज्यादा, एक ब्यूटिफुल सा कोट किया है कि उन्होंने ऐसा कोट करते हुए बोला है कि जैसा तुम सोचते हो, जैसा हम सब सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, राइट? सो जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे. खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और डेफिनेटली एंड सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे. तो डेफिनेटली हम लोग जितना ज्यादा अपने आप को निर्बल, जितना ज्यादा हम अपने आप को वीकर समझने लग जाएंगे कि हाँ, हमने एक से दो बार तो प्रैक्टिस की बट वो उसमें सक्सेस हमें नहीं मिल पाया, या फिर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की डर के मारे कि हम कहीं उसमें फेल ना हो जाए, तो वीकनेस है जो ये वीकर पॉइंट जो है, तो ये सारी चीजें हमें और ज्यादा वीकर बनाने लग जाती है, निर्बल बनाने लग जाती है. हम अगर एक सोच के साथ चलते हैं कि नहीं, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस, एंड वी आर गुड इन सच थिंग्स, एंड डेफिनेटली हम लोग ये भी हमेशा सुबह उठ के जो है एक लाइन जरूर अपने आप को, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं ना, प्लीज मार्क माय वर्ड, आप जरूर ये चीज ट्राई करके देखिए. 1 month तक, एटलीस्ट 21 days to 1 month तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, देन डेली डेली हैबिट में ये आपके आ जाएंगे. मिरर के सामने, आईने के सामने अपने आप को देखे, आई एम द बेस्ट बोलना है 3 बार, ज्यादा नहीं, आई एम द बेस्ट. डेफिनेटली इससे जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है, जो हमें वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमें हेजिटेशन होती है, डिमोटिवेशन होने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, निर्बल होने लग जाती है, ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सुबह का दिन, अगर हम स्ट्रांग वे में अगर अपने दिन को अच्छे से रखते हैं तो पूरा डे हमारा बहुत ही अच्छे से बीतता है, राइट? सो हैव यू एवर फेल्ट लाइक एंडिंग ऑल बिकॉज
फेलियर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं ऑन योर पाथ. बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे हम लोगों को, एज वेल एज वेन यू फील लो. कभी कभी हम लो फील करने लग जाते हैं, डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, अपने आप को ओवर ब्लेम करने लग जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं, बिकॉज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने लग जाते हैं, इन इनवाइटेबली आने लग जाते हैं हमारी लाइफ में, बिना बताए बिना इन्वाइट के अप्स एंड डाउन्स जो है वो काफी ज्यादा आने लग जाते हैं. Whenever felt like you want to quit, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप क्विट करना चाहते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है that you are not just able to see a reason of continue living, कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको हमेशा एक चीज रिमाइंड करनी है, राइट? ये हमें रिमाइंड करनी है. डू रिमाइंड योरसेल्फ अ सिंपल येट प्रोफाउंड एनालॉजी हमें हमेशा याद रखनी है. तो हम एक ऐसे आज स्टोरी के बारे में, एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंस रहना, अपने आप में भरोसा रखना एंड हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हम जितना उसको जिस चीज से फीड करेंगे, मतलब अगर हम उसको नेगेटिव बातों से फीड करते रहेंगे तो उन सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें हर जगह पे नेगेटिविटी हमें दिखने लग जाती है, राइट? अगर हम पॉजिटिव वे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं तो हमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हमें लगने लग जाती है एंड हम काफी ज्यादा हम अपने डिजायर्स को भी फुलफिल कर लेते हैं. कैसे? बहुत लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी स्पेशली यंगस्टर्स जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा डर लगता है जो भी घोस्ट के मूवी देखते हैं, भूत के मूवी देखते हैं, तो वो जब भी रात में सोते हैं ना, तो डेफिनेटली उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनके सामने कुछ भी, वो अपने मन के सामने वो इमेजिन करने लग जाते हैं अपने आगे कि वहां पे घोस्ट है या भूत है जो भी है, एंड वो डरने लग जाते हैं. ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते रहते हैं, हम वैसा सोचते रहते हैं, इस वजह से और ज्यादा ऐसा होने लग जाता है. सो और इसी यही एक सिंपल सा रीजन है. सो द पैराबल ऑफ द चाइनीज बैम्बू जो है, ट्री जो है, ये हमें बताते हैं, लेसन टीच करते हैं हमें कि कैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, परसिवरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंटली ह्यूमन पोटेंशियल जो है हमें कैसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रखनी चाहिए. सो एक जो ट्री होते हैं, राइट, इफ द ट्री हैज नॉट डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अनसीन फाउंडेशन, जब तक एक जो पेड़ रहते हैं उनके जो जड़े होते हैं वो जब तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है, वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका ट्री का जड़ मजबूत होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे घर बनाने के लिए अगर हम ईंटे ही नहीं रखेंगे और घर बनाने लग जाएंगे, तो बिना ईंटों के, बिना ब्रिक के, विदाउट ब्रिक यू कैन नॉट बिल्ड अ हाउस, राइट? सो दैट इज व्हाई जड़ को मजबूत रखना, फाउंडेशन मजबूत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जस्ट एज अ हाउस नीड टू हैव अ स्ट्रांग फाउंडेशन टू सर्वाइव, अपने घर की इमारतों को मजबूत करने के लिए जैसे हम स्ट्रांग पिलर्स रखते हैं, स्ट्रांग बेस रखते हैं, इसी वजह से हम एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, इज ट्रू फॉर पीपल, सक्सेस एंड योर स्पीकिंग करियर जो है, पीपल टॉयल टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स एंड गोल्स. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मोटिवेट ना हो, जिसको देख के हम थोड़ा सा डिस्करेज हो जाए या फिर डिसअपॉइंटमेंट हमें बहुत ज्यादा मिलने लग जाए. सो डेफिनेटली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाइल ओवर कमिंग डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस, भी हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे. ग्रो द स्ट्रॉन्ग इंटरनल फाउंडेशन टू हैंडल सक्सेस, अपने आप को इतना ज्यादा अपने फाउंडेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है कि हम अपने सक्सेस को, उन सारी चीजों को, जो भी ओवर ब्लेम्स रहते हैं, जो भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग गो थ्रू करते हैं, उन सारी चीजों को हैंडल करके अपने सक्सेस को भी हम हैंडल कर सके. सो वाइल दोज हु चेज क्विक बक बेसिकली आर अनेबल टू सस्टेन अनअर्न सडन वेल्थ, रिमेंबर ओल्ड सेइंग, आउट ऑफ डाइवर्सिटी एडवर्सिटी कम्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तभी आती है.
इट ऑल बिगिंस विद अ सीड, ये सारी जो चीजें हैं, एक जो बैम्बू ट्री है वो सारी जो चीजें हैं वो एक सीड से, एक बीज से ही वो बनती है. एंड विद द विजन ऑफ सम विलिंग टू वेट, हमारे जो भी विजन होते हैं, जो भी हमारी विलिंग होती है, वी जस्ट नीड अ पेशेंस. सो ये जो हमारा बैम्बू ट्री जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक हम लोग बोल सकते हैं बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग रहेगी. बेसिकली एक गांव में एक मैन था, राइट? तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो गया था. उसको कोई भी अपनी लाइफ में जो है उसको कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था. हर चीजों में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी. फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था बोल सकते हैं, अपने फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे. जो भी फूड जो रहते हैं, फूड शेल्टर, ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी, वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था. उसने ऐसा तक सोच लिया था कि वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्विट कर जाएगा, राइट? उसके पास कोई ऐसे चांसेस उनको नहीं दिख रहे थे. सो ही वाज द सेम पर्सन विद द सेम प्रॉब्लम. कुछ टाइम बीत गया, फिर भी वो पर्सन जो है सेम प्रॉब्लम में था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था और ज्यादा खराब होने लग गया था. सो वो अपने लोस जो अपने होप है उनको लूज करने लग गए थे. वो धीरे धीरे करके ये सारे जो कंडीशंस है और ज्यादा वर्स कंडीशन होते गए. वो अपने मेंटोर के पास गए, उनके जो भी मेंटर है, राइट? जैसे कि हम लोग गुरु जिनको बोलते हैं, और गुरु जो होते हैं वो कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देते हैं. एज वी ऑल नो, जो हमारे अपलाइंस रहते हैं, जो हमारे गुरु रहते हैं, जो हमारे टीचर्स रहते हैं, डेफिनेटली हमें इतना ज्यादा एबल बना देते हैं कि हम खुद से भी हर चीजें कर सके. सो अपने वो एक मेंटर के पास गए, अपने गुरु के पास गए. उन्होंने अपने मेंटर से पूछा, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द जाइंट बैम्बू टू ग्रो एज टॉल एज बिल्डिंग, ताकि जो एक बैम्बू ट्री जो है वो एक बिल्डिंग जितना टॉल हो जाए, कितना टाइम इतना लगता है? क्योंकि उसने, उस पर्सन ने ऐसा सुना था कि अगर वो बैम्बू ट्री को लगाता है तो उससे वो कुछ कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अपना फैमिली को वो सर्वाइव कर सके, 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड कर सके, एक हैप्पी लाइफ रह सके. बट उसको कहीं भी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी. सो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर टाइनी प्लांट जो है वो वाटर एंड फर्टिलाइज करते हैं. तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने बेसिकली ये सारी चीजें बोली, उनको आंसर दिया. एंड डेफिनेटली एंड अनदर एंड स्टिल नथिंग हैपेंस. बहुत साल ऐसे बीतते गए, वो फर्टिलाइजर डालने लग गए, वो वाटर डालने लग गए, जो भी नेसेसिटीज रहती थी एक पेड़ को बड़े होने के लिए, वो सारी चीजें वो पर्सन करते थे. बट वो पेड़ जो है वो सेम रहता था, कुछ भी उसमें नहीं होता था. ऑन देन द फिफ्थ ईयर जो है बेसिकली इट शूट अप द स्काई इन द 6 वीक द बैम्बू ग्रोज 90 फिट. तो उनके फिर मेंटोर ने पूछा कि उन्होंने ये सारी चीजें बताई, देन धीरे धीरे करके 5 साल होते गए. 5 साल बाद जो बैम्बू ट्री है उसमें लीव्स निकले, 90 फीट का हो गया 6 वीक्स में. देन वो मैन जो है ये सारी चीजें हमारे उसके मेंटोर ने बताई थी, राइट? द मैन रिप्लाइड, उन्होंने उनके मेंटोर ने उनसे पूछा, अब बताओ कि ये सारी जो चीजें हैं वो कितना टाइम लगा एक बैम्बू ट्री को ग्रो होने के लिए. द मैन रिप्लाइड दैट योर मिस्टेक बेसिकली सेट द मेंटोर, इट टेक 5 ईयर्स. उसने बोला कि 6 वीक लगते हैं, और बेसिकली 6 वीक नहीं, 5 ईयर्स लगते हैं, 5 to 6 ईयर्स लगते हैं. 6 वीक में वो बैम्बू ट्री बड़ा होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पास पेशेंस ही नहीं था. इफ द फार्मर स्टॉप वॉटरिंग द प्लांट, जैसा जैसा मेंटोर ने बोला कि तुम एक बैम्बू ट्री लगाओ, राइट? सिंपल सा उसने बोला कि आप एक बैम्बू का ट्री लगाइए ताकि आप अपने फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. वो डेली डेली उस बैम्बू ट्री में पानी डालता था, सनलाइट आती थी, सारी चीजें होते थे. वो देखते देखते 1 साल हो गया पूरा, फिर वो थोड़ा सा निराश हो गया. 1 साल हो गया तो भी जो उसने बीज डाली थी उसमें से एक पत्ता तक नहीं आया, एक सीड तक कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ. नेक्स्ट डे दूसरे साल वो अपने फिर से मेंटोर के पास गया, बोला कि फिर से वही हाल है, फिर से मेरा ट्री बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी प्लांट तक नहीं आया है. मेंटोर ने यही बोला, जस्ट हैव पेशेंस, आप पानी उसमें डालते रहिए, अच्छे से उसका केयर कीजिए, वो जरूर एक ना एक दिन वो फल देगा, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए.
देखते देखते 3 साल हो गए, देखते देखते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए. सो डेफिनेटली हम लोग बोल बोल सकते हैं कि वो 5 साल में इतना ज्यादा थक चुका था. उसने बोला कि अब तो वो क्विट कर देगा, डेफिनेटली अब उसके पास पेशेंस नहीं है. देन अगेन वो अपने मेंटोर के पास गया, उसने बोला कि 5 ईयर्स हो गए हैं तो डेफिनेटली अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि 5 साल में अभी तक नहीं हुआ. मेंटोर ने यही बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसका ख्याल रखो. उस पर्सन ने अपने मेंटोर के, अपने गुरु की बात वैसे ही मानी, उसका ख्याल रखते गए. 5वें साल के बाद उसे फिर देखने को मिला कि उस सीड में से एक न्यू प्लांट आ रहा है और विद इन 6 वीक्स में ही वो प्लांट धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया. 90 फीट का वो ट्री हो गया, बैम्बू ट्री हो गया. सो डेफिनेटली ये सारी जो चीजें है, अगर वो फार्मर उसी टाइम ही वाटर देना स्टॉप कर देता तो डेफिनेटली वाटरिंग द प्लांट पिंच ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, अगर उस 5 साल में वो नहीं देते अपने प्लांट में पानी तो वो प्लांट जो है वो डाई हो जाता, डेफिनेटली वो मर जाता, वो बड़ा नहीं होता, वो होता ही नहीं, राइट. सो ये एक ऐसा सीड है एंड दिस इज बेसिकली अ रियल स्टोरी बेस्ड, राइट. ये जो चाइनीज बैम्बू ट्री है ये रियल में, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टोरी है जस्ट बिकॉज, ये रियल में इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं. सो वॉट हैपनिंग दोज ईयर्स, बेसिकली बहुत सारे लोग जो होते थे अंडर नीथ द ग्राउंड, इनॉर्मस नेटवर्क रूट इन डेवलप बेसिकली धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है, टेक पेशेंस एंड पिजर्वेंस. एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर मेक्स अ डिफरेंट डिफरेंस बनाने का ये काम करती है. एवरी स्टेप यू टेक मेक्स अ इम्पैक्ट. जो भी हम कदम आगे बढ़ाते हैं, जो भी हम स्टेप लेते हैं, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट लाती है हमारी लाइफ में. यू मे नॉट सी द चेंजेस राइट अवे बट ग्रोथ जो है वो हमारे जिस दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी दिन से ये स्टार्ट हो जाती है होना. उस 5 साल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर्सन को बहुत कुछ ऐसा बोला कि इतने साल हो गए, इससे अच्छा तो तुम कुछ और बिजनेस कर लेते, राइट. ये जो इससे अच्छा तो तुम कुछ और ही काम कर लेते, कुछ और बिजनेस कर लेते, कुछ और शॉप खोल लेते, कुछ भी कर लेते, ये इसमें क्या है आपने इतना साल दिया. बट जब उसके बहुत लोग उसको टॉन्ट करते थे, ताने मारते थे, राइट, उस उस विलेजर्स को, उस फैमिली को, क्योंकि वो काफी ज्यादा सर्वाइव कर रहे थे अपने आप को, एंजॉय नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ को, इवन वो टिपिकली पैथेटिक कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे. सो दैट इज व्हाई जब इनकी ग्रोथ होने लग गई, जब बैम्बू ट्री होने लग गए, जब उनका अच्छा दिन आने लग गया, तो वही गांव वाले जो विलेजर्स है बेसिकली जो उनको टॉन्ट करते थे, हमेशा ताना मारते थे, जब उनका अच्छा दिन आने लग गया वो सारे लोग उनको देखते रह गए एंड काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए, राइट. सो ये द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेसिकली यू वी जस्ट हैव पेशेंस. द बैम्बू ट्री ग्रोज एंड ग्रोज 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, नॉट 90 फीट, जस्ट इन 6 वीक, 6 हफ्तों में 90 फीट तक वो ग्रो हुआ. एंड इन्हीं के साथ साथ इट हैज ग्रो 90 फीट टॉल. 5 ईयर्स ऑफ नथिंग, 5 साल जो है वो कुछ नहीं. नाउ दिस 90 फीट इन जस्ट 6 वीक्स, बेसिकली इट्स अ ट्रूली मिरेकल. जो 6 हफ्तों में इतना ज्यादा 90 फीट का वो टॉल हो गया. सो डेफिनेटली द फार्मर स्टैंड ऑन द टू द साइड एंड ही इज अवेयर ऑल हिज ड्रीम्स कम ट्रू. उसको ये सारी चीजें पता चली कि इससे उनके सारे ड्रीम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फुलफिल हो गए. द हार्वेस्ट ऑफ द बैम्बू जो है वो प्रोवाइड करते थे जो भी उनकी जो फैमिली के ड्रीम्स थे, एम्स थे, गोल थे, अचीवमेंट थे, वो सारी चीजें उन लोगों को मिलने लग गई. सो ही ऑल्सो रियलाइजेस द लेसन ही हैज लर्न्ड दैट फार मोर वैल्यूएबल जस्ट हैव पेशेंस. सो उस पर्सन ने क्या सीखा, उस पर्सन ने सीखा ही लर्न टू प्लांट अ ड्रीम. हम अपने ड्रीम को कैसे प्लांट करें, जस्ट बिकॉज वी आर इन लाइक वी आर डूइंग अ केवा बिजनेस, राइट. सो ऐसा नहीं है कि जो भी फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बिना डिस्ट्रीब्यूटर बने एकदम ऊपर लेवल पे तो नहीं जा सकते हैं. हर कोई जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स है वो लोग, सब लोगों ने स्ट्रगल किया है, सब लोग वो सारी चीजों से गो थ्रू हुए हैं. तो डेफिनेटली सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने गोल होते हैं. तो हमें ये, उसने ये सीखा, हमने भी
यही सीखा है कि हम अपने ड्रीम्स को पहले प्लान करें, हम अपने गोल को, अपने एम को प्लान करें कि हमें कितना सक्सेस करना है, हमेशा हमें सक्सेस करते रहना है. उस पर्सन ने ये सीखा टू डू द डेली थिंग्स दैट वुड मेक इट रियलिटी. डेली डेली हमें एक ऐसे अचीवमेंट करने हैं, इंप्रूवमेंट करने हैं, ताकि एक दिन हमें ये सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए. ही लर्न टू इग्नोर दोज हु सेड इट कुडंट बी हैपन. इसने बहुत सारे ऐसे अनअवॉइडेबल जो चीजें हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक जिसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, बहुत लोग इसे टॉन्ट करते थे, वो सारी चीजें उन्होंने वो सब कुछ अवॉइड की. वो सारी जो चीजें हैं इग्नोर करते चले गए, जो भी बैड चीजें थी, टॉन्ट थे, सर्कमस्टांसेस जो लाइफ में आते थे, तो अप्स एंड डाउन्स जो थे, उन्होंने वो सारे प्रॉब्लम्स को एक साइड कर दिया. और वो जो सारी जो चीजें है, मेहनत जो है, पेशेंस जो है, वो कंटिन्यू रहते गए. ही लर्न टू पुश पास्ट हिज ओन फियर. अपने जो पहले जो भी उनको जिस भी चीजों से डर लगता था, ताकि वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो कुछ भी चीज करने से डरते थे, बहुत डाउट होता था, सो वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे, जस्ट हमेशा बैठ के सोचते थे कि हमारा दिन अच्छा आएगा, बट एक्शन नहीं लेते थे. सो ही कीप टू टेकिंग द एक्शन, ही लर्न टू टेक द एक्शन, ही लर्न टू हैव फेथ when there was no reason to have faith. उन्होंने ये faith रखा, अपने आप पे faith रखा कि वो हर चीजें कर सकते हैं. So ये अब हमारी बारी है. Now ask yourself, what are you willing to do to make your dreams come true? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम हमारे जो ड्रीम्स है वो सच हो जाए? हम कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं ताकि हम अच्छा कर सकते हैं. हम हमेशा ये बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस. डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स रहेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें, उसके लिए हम लोग अप्लाई भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे. तो क्या हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम करेंगे तो ये सारी चीजें हमें जरूर हम अपील कर सकते हैं. आर यू विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स? क्या आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको सक्सेस में होने के लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए? आर यू विलिंग टू टेक एक्शन? क्या आप तैयार है एक्शन लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को हमें और ज्यादा कैसे ऊंचाइयों तक बढ़ाने हैं? आर यू विलिंग टू पुश पास्ट योर फियर्स एंड डाउट? क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका पास्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, फियर्स है, डाउट है, वो सारी चीजें आप रिमूव कर रहे हैं? हाउ मच फेथ एंड बिलीव आर यू विलिंग टू हैव? कि आपके पास कितना फेथ है, कितना बिलीव है कि आप ये कर सकते हैं? सो आज ही डिसाइड कीजिए, एक्ट कीजिए. और ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जितना जल्दी हम कोई भी चीजें करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा. सो डिसाइड, एक्ट नाउ, राइट? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो है, उन्होंने ये भी बोला है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है. हम जो चीज सोचेंगे वो हमारी सोच ने ही हमें बनाया है. सो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं. जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं. अगर हम सोचते हैं कि यस वी आर इन अ लाइक सोशल हेल्प हम कर सकते हैं, हम एक हेल्थ प्रोवाइडर है, एक हम सोशल प्रोवाइडर है, ताकि हम सोशली दूसरे पर्सन को एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर सके, हेल्प कर सके. क्योंकि अगर हम दूसरे को एक हेल्पिंग नेचर से समझेंगे तो उस तरह से हमारे लिए भी सक्सेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. सो इसी के साथ साथ हमें सक्सेस करने के लिए हमारे जो कंपनी है, राइट, हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू हम सक्सेस कर सकते हैं. सो डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा, दिस विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, बट यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन. क्योंकि हर एक ग्रोथ जो है, हर एक न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है, वो आगे चल के हमारा फ्यूचर बनता है. ईच एंड एवरी चाइल्ड इटसेल्फ इज अ फ्यूचर ऑफ आर वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर होता है. जब हम छोटे थे हम भी फ्यूचर थे, राइट? सो डेफिनेटली इन हर चीजों को, अपने बेबीज
को बहुत ही अच्छे से केयर करने की उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं काइपो बेबी केयर किट। ये जो हमारा बेबी केयर किट है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे इस बेबी केयर किट में चार चीजें होती हैं, चार प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। इस जैसे कि बेबी शैम्पू पाए जाते हैं 100 ml के, बेबी बॉडी लोशन रहते हैं, बेबी मसाज ऑयल रहते हैं, बेबी डायपर क्रीम रहते हैं। एंड हम लोग ये चीजें, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल एक किट है जो हम लोग इजिली सेल आउट कर सकते हैं। अब इजिली सेल आउट हम इस तरह से कर सकते हैं डेफिनेटली कि मान लीजिए कि बहुत सारे हर जैसे कि हम एक ग्रोथ रेशियो भी देखेंगे ना, हर एक दिन में हमारे कंट्री में हर एक दिन में बहुत सारे न्यू न्यू बेबीज आते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो भी जानने वाले लोग होंगे, जो हमारे रिलेटिव्स होंगे, जो हमारे जान पहचान के, हर घर में कोई ना कोई छोटे बच्चे तो होंगे ही होंगे। न्यू बॉर्न बेबीज भी ऐसा होगा कि अपकमिंग वेलकम बेबीज भी आने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब बेबी शावर होता है या फिर जब बेबी होते हैं, तो बेबी होने के बाद एक बहुत अच्छा सा ग्रैंड पार्टी भी रहते हैं, या फिर जब भी हम लोग उस बेबी को देखने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बेबी केयर किट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो पेरेंट्स है उस बेबी केयर किट का यूज करके एज अ गिफ्ट हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हर एक चीजों में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि उस बेबी को ये सारी जो नीड है उनको मिल सके, ताकि उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से रहे, उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से रहे, उनकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट रहे, अच्छी रहे, कोई भी खराब चीजें ना हो। क्योंकि इन्फेक्शंस काफी जल्दी होने लग जाते हैं बेबीज के स्किन में, क्योंकि उनके स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं। इसीलिए हमेशा इवन जब न्यू न्यू बेबीज घर आते हैं तो हमेशा बताया जाता है कि साफ हाथों से बेबीज को टच करना चाहिए, उठाना चाहिए, ऐसे ही गंदे हाथों से नहीं करना चाहिए, बहुत उनके लिए अलग से ही कुछ ज्यादा केयर रहता है। तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा केयर उन बेबीज को प्रोवाइड करती है। सबसे पहला हम देख सकते हैं कि बेबी शैम्पू रहते हैं। सो बेसिकली ये जो बेबी शैम्पू है ये हम लोग बोल सकते हैं टियर फ्री है। बहुत सारे ऐसे शैम्पू है, हम अपने शैम्पू जो हम यूज करते हैं, हम इतने छोटे बेबी को, एकदम जो न्यूबॉर्न बेबीज है, राइट, तो कुछ टाइम तक तो ऐसे भी उन बेबीज को यूज नहीं किया जाता है कुछ भी चीजें, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन बाद से उन सारी चीजों को, कुछ हफ्तों बाद से चीजों को उनके बॉडी पे यूज करने लग जाते हैं, राइट। तो ये जो है वो टियर फ्री शैम्पू है। अगर हम अपने ही शैम्पू, अपने ही सोप बेबी को लगाने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं, उनके लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनके स्किन सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं। जस्ट बिकॉज ये डेलिकेट हेयर के लिए है, टियर फ्री है, तो आंख में से जाते हैं तो आंसू आने लग जाते हैं, जलन होने लग जाती है, सारी चीजों से बचाते हैं। एंड डेफिनेटली ये बेबीज के स्किन को, उनके हेयर को ड्राई नहीं करने देता है, इजिली रिंस ऑफ कर सकते हैं जैसे शैम्पू करते हैं, जस्ट हमें वैसे ही करना है। और जो क्रेडल कैप्स आने लग जाते हैं, डैंड्रफ जैसे, वो डैंड्रफ एक तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इतने बड़े बड़े, कभी इतने बड़े रहते, कभी इतने बड़े बड़े क्रेडल कैप्स आने लग जाते हैं। तो बहुत टाइम क्या होता है, हमें नहीं पता होता है, तो उसको हम स्क्रैच करने लग जाते हैं या फिर कोम से कंघी करते करते ऐसे निकाल देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि ड्राई होने लग जाएगा तो पेनफुल हो जाएगा, उनको रैशेस हो सकता है, इंफेक्शन बढ़ सकता है, और अगर हम अच्छे से केयर नहीं करते हैं उनके बॉडी पे भी, ये सारी चीजें आईब्रोज पे, बॉडी पे भी वो फैलने लग जाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है, राइट। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हेड में होता है, एक्सट्रीम होने से ही गले में, फेस में, आईब्रोज के पास और बॉडी में भी होने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बेबीज के केयर के लिए। एंड डेफिनेटली बेबी शैम्पू जो है, जैसे थोड़ा सा हल्का सा हम वाटर लेंगे, एंड डेफिनेटली हल्का गुनगुना पानी में, और गुनगुना पानी हमारे जैसा हम लोग कभी भी, क्योंकि हमारा बॉडी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हम बड़े होते हैं, तो राइट, तो हमसे अगर जो हमें हल्का गुनगुना लगेगा वो उससे हल्का गुनगुना पानी, मतलब आपका जो एल्बो रहेगा, ये क्वेश्चन जिसको हम लोग एल्बो बोलते हैं, राइट, हमारा जो एल्बो होता है, हम उस गुनगुने पानी को ऐसे टच करके अपने एल्बो से हम टेस्ट करेंगे, अगर हमारा एल्बो में हल्का गुनगुना लगता है तो ही हम बेबीज को प्रोवाइड करेंगे वो हल्का गुनगुना पानी। हल्का सा
गीला करके, जैसे आप शैम्पू करते हैं, हल्का सा मसाज करके वैसे आप कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे बेबी लोशन। बेबी लोशन जो है ये 100 ml के होते हैं। ये बॉडी लोशन है बेसिकली। आप पूरी बॉडी में बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आमंड ऑयल रहते हैं, राइट। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट रहता है जो कि हमारी जो सेंसिटिव स्किन होने लग जाती है ये हमें उनसे प्रिवेंट करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, शाइनी रखते हैं। इसमें शिया बटर रहता है। शिया बटर का काम होता है कि एक्स्ट्रा स्मूथ, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आमंड ऑयल बेसिकली जो रहते हैं बादाम के तेल, राइट। आमंड में एक ऐसे ही बहुत अच्छा खुशबू आता है, बहुत सारी विटामिन्स उसमें पाए जाते हैं, तो ये उनके बॉडी को बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और इन्हीं के साथ साथ एक हेल्दी टेक्सचर प्रोवाइड करती हैं उनके स्किन को। साथ ही साथ बेबी लोशन जो है स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है, रिस्टोर किया गया है मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ड्राइनेस जो होने लग जाती है बेबीज के स्किन में वो ड्राइनेस ना हो। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें बॉडी लोशन लेना है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूज दिस बेबी लोशन आफ्टर योर बेबी बाथ। जब भी बाथ हो जाता है उसके बाद हम इसको यूज करेंगे अच्छे से बॉडी में, तो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। मसाज ऑयल, मसाज करना बेबीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी ऑल नो जब न्यू बॉर्न बेबी जब वो बॉर्न होते हैं ना, कोई भी एक छोटे बेबी जब इस दुनिया में आते हैं, बॉर्न होते हैं, उनके शरीर में अप्रोक्स 300 हड्डियां रहती हैं, बोन होते हैं, अप्रोक्स 300 बोन्स होते हैं। अब हमने तो स्कूल में पढ़ा है कि जो हम लोग होते हैं वी अडल्ट्स, तो हमारे बॉडी में तो 206 हड्डियां रहती हैं, तो ये जो रहती हैं बेसिकली जो अप्रोक्स 300 है ये जॉइंट होने लग जाती हैं। तो डेफिनेटली जैसे जैसे ग्रोथ होगा जॉइंट होने लग जाएंगी, तो उस टाइम बेबीज के मसाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसीलिए हमेशा जो हमारी मम्मियां होती है ना, जब हम बहुत छोटे होते थे, तो डेफिनेटली अच्छे से बॉडी में मसाज करते थे ऑयल से, ताकि हमारा यू नो ग्रोथ बॉडी का बहुत ही अच्छे से हो, और मसाज करने की वजह से हमारी हड्डियां भी मजबूत हो। तो इसमें बेसिकली आमंड ऑयल है, सिसमे ऑयल है, वीट जर्म ऑयल है, जो कि हमें सूद करती है हमारी बॉडी को। एंड इनके जो बेनिफिट्स है इंक्लूड करती है वेट गेन के लिए, एडिंग डाइजेशन अच्छा रखने के लिए, इम्प्रूव करती है ब्लड के सर्कुलेशन, टीथिंग पेन जो है, जब दांत आते हैं जो टीथिंग पेन होने लग जाते हैं, जो काफी ज्यादा यू नो उनको अजीब सा इचिंग जैसा, अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है, पेन भी काफी ज्यादा होते हैं, यह उनसे भी प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। सो आमंड ऑयल जो बेसिकली नरिश करते हैं स्किन को, हाइड्रेट रखने का काम करती हैं। सेसमे ऑयल, जिंक इसमें काफी अच्छा खासा होता है। जिंक का काम होता है इम्यूनिटी बढ़ाना हमारे बॉडी में। जैसे कि हमने अभी कोरोना आया था, और हम हमेशा सुनते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी हमेशा अच्छी सी रहनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रहनी चाहिए, हमारे स्किन में भी तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमें स्किन में एलर्जीज आने लग जाएंगे। हमारा स्किन एक बैरियर का काम करता है, एक ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी बोन है, उसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगर स्किन नहीं रहेंगे तो डायरेक्टली कुछ भी जर्म्स आ जाएंगे, हमें करप्ट कर सकते हैं, राइट, हमारी बॉडी को। तो ये उनको ढकने का काम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं हमारी बॉडी को। सो डेफिनेटली हमारे स्किन को भी इम्यूनिटी सिस्टम की जरूरत है, और ये उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए रखने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ इंप्रूव करती है स्किन की इलास्टिसिटी को, सूद करते हैं। एंड यूवी हार्मफुल यूवी रेज जो होते हैं, ऐसे भी बहुत छोटे बच्चों को तो बहुत जगह पे नहीं लेके जाया जाता है, सिर्फ वो बेबी क्लिनिक जाते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, फिर वो घर पे आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहीं अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, राइट। तो अगर धूप में, ऐसे भी बच्चों को ट्राई कर दिएगा कि बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखने के लिए, क्योंकि उनका स्किन पतला होता है। अगर ज्यादा देर तक उनको धूप में रखते हैं, उनका बॉडी बहुत जल्दी जलने लग जाएगा, बहुत जल्दी उनका स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाएगा। सो ये ऑयल जो है उनसे भी हमें जो टैन होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, डार्कन होने लग जाते हैं, उनसे भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो अच्छे से मसाज करना है अपने बेबीज के स्किन को, स्पेशली आफ्टर बाथिंग, बिफोर बाथ भी डेफिनेटली। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं बाथ करने से पहले भी मसाज करते हैं, इस ऑयल से जरूर कीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन उनका
बॉडी का ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से बने रहेगा, क्योंकि हमने ये भी चीज देखी है कि वन ऑफ द रीजन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होता है, बहुत स्लो होता है। कुछ कुछ बेबीज होते हैं जिनका बॉडी का ग्रोथ बहुत जल्दी होने लग जाता है, अच्छे से होने लग जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन बेबी डायपर क्रीम, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई बिलीव इसमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल का काम होता है जो रैशेस हो जाते हैं कहीं भी, बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत पहले के टाइम में कहीं जैसे रैशेस होने लग जाते थे या फिर कुछ ऐसा हो जाता था, रैशेस होने के साथ साथ कुछ कट हो जाता था, वो धीरे धीरे कुछ होने रैशेस टाइप के होने लग जाते थे। तो उस टाइम क्या करते थे हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, बहुत पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, वो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते थे ताकि जो घाव है वो सूखने लग जाए, राइट। सो ये बेसिकली रैशेस को, घाव को सुखाने का काम करता है, उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। सिरा एल्बा रहते हैं, लेमन एसेंशियल ऑयल रहते हैं ताकि कुछ भी इंफेक्शन होने के चांसेस ना हो। सो डायपर क्रीम जो है बेसिकली एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर का ये काम करेगी, फॉर्म करेगी, जो कि प्रोटेक्ट करेगा स्किन को नेक्स्ट डायपर चेंज जब भी आप करते हैं। ये काफी ज्यादा सूदिंग जेंटल फॉर्मूला है जो कि प्रोटेक्ट करता है बेबीज के स्किन को। सो डेफिनेटली आपने क्या करना है, जब भी आप अपनी बेबीज को डायपर यूज करवाते हैं, ट्राई करेंगे कि अगर वो घर पे रहते हैं तो बहुत ज्यादा उनको डायपर का यूज ना करें, रात में सोने के टाइम ही डायपर यूज करें, कहीं बाहर जाते हैं तो यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा डायपर ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डायपर यूज करने की वजह से काफी ज्यादा यू नो सफोकेशन, उनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी और जो डेफिनेटली उनको रैशेस भी काफी ज्यादा आने लग जाएंगे। सो डेफिनेटली जो रैशेस ना आए, पहले से ही डायपर एरियाज जो है उनके बैक साइड में, थाइज एरियाज के पास जो भी लाइनिंग्स होते हैं डायपर के, वहां पे अच्छे से ये डायपर क्रीम यूज करेंगे ताकि रैशेस ना हो, तब वो डायपर यूज करेंगे। जब नेक्स्ट चेंज करने का रहेगा तो भी ऐसे ही करके क्लीन करके बॉडी को डायपर क्रीम यूज करेंगे ताकि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर हो गए हैं तो वो धीरे धीरे करके वो ट्रीट करने का काम करेंगे। ये बेबीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, खैर वो बहुत छोटे होते हैं वो तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट उनके बॉडीज पे पूरे रैशेस देख के पता चलने लग जाता है कि हाँ इतना ज्यादा वो दिन भर सिर्फ रोते रहते बेड वेट करने के टाइम, या फिर कभी ऐसा हो गया रैशेस काफी ज्यादा टाइट क्लोथ्स ये सब पहनाने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा लूज क्लोथ रहेगा, बॉडी का डेवलपमेंट भी, ग्रोथ भी बॉडी की अच्छी से रहेगी। तो हमेशा ऐसे बांध के नहीं रखना है, डेफिनेटली रात में सोने टाइम, कहीं बाहर जाने के टाइम। और ये जो डायपर्स है बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो बहुत छोटे बेबीज रहते हैं, यू नो जो 1-2 साल के होते हैं, 3 साल के जो बेबी बेबीज रहते हैं जो किड्जी में जाते हैं स्पेशली, सो जो प्ले लाइक प्ले स्कूल में जाते हैं, जो किड्जी में जाते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको डायपर यूज करा के ही अपने बच्चों को भेजते हैं। इनफैक्ट उनके बैग में अलग से भी डायपर रख देते हैं ताकि जब वो किड्जी में जाते हैं जो भी ऐसा होता है तो जो वहाँ पे केयरिंग करते हैं तो वो लोग भी यूज करा सके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज वाई उनके वजह से ये प्रॉब्लम जो ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ जब वो भी जाते हैं ये डायपर क्रीम का भी वो यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से असर करने वाला है। सो ये जो हमारा किट है, ये हम हर किसी के घर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो 1 साल से कम एज के है डायपर पहना रहे हैं, जो 1 साल के है, जो 2 साल के है, जो 3 साल के है, जो भी पेरेंट्स जो है, जो भी छोटे बच्चे जो है जो डायपर पहनते हैं। और डेफिनेटली शैम्पू हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत छोटे एकदम न्यूबॉर्न बेबी को डेली डेली तो नहीं नहलाते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ दिन छोड़ छोड़ के नहलाते हैं, राइट। जब फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाता है जब वो डेली डेली नहाने लग जाते हैं, जब भी आप शैम्पू करते हैं इससे आप शैम्पू कीजिए, इसी से आप अच्छे से मसाज कीजिए, इसी से ही आप अच्छे से बॉडी में लोशन लगाइए, इसी से ही डायपर क्रीम आप यूज करिए, बहुत ही अच्छे से यूज होने वाला है अगर हम अपने शैम्पू यूज कराने लग जाएंगे, अगर हम अपने यू नो सोप यूज कराने लग जाएंगे। अगर आप यहाँ के सोप
अपनी बॉडी पे यूज कर रहे हैं वेलनवुड, लेकिन छोटे बच्चों के स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट्स यूज कराने हैं। सोप जो है बहुत टाइम क्या होता है, बेसिकली जो मेल्स होते हैं ना, तो नहाते नहाते क्या होता है कि बाल धोने के लिए वो सर पे भी ऐसे सोप का यूज कर लेते हैं। सोप में सोप जो है बेसिकली अल्कलाइन नेचर का होता है, तो सोप को कभी भी सोप से अपने बालों को नहीं धोना है, बालों को हमेशा शैम्पू से ही धोने की जरूरत है, वॉश करने की जरूरत है। सो दिस मेक अ वेरी गुड सेंस। तो बेसिकली सोप से कभी भी वैसा ना करें, ना ही अपने बच्चों के साथ सोप से थोड़ा सा उनका हेयर वॉश करने लग जाए, नहीं तो बचपन से ही उनके बाल पतले होने लग जाएंगे, डेंसिटी कम होगी, मतलब उनके स्कैल्प ज्यादा दिखेंगे, बाल कम दिखेंगे। तो फिर वो बड़े होके पता चलेगा कि बचपन से ही उनके बाल काफी ज्यादा कम है, और वो कम होने का रीजन पेरेंट्स फिर बन ना जाए। तो डेफिनेटली ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक घर में ये जरूर हमारे पास जो बेबी केयर किट है जरूर होना चाहिए, एज इफ हमारे जो भी रिलेटिव्स रहते हैं, जो भी हमारे नोन पर्सन होते हैं, जो भी हमारे घर पे भी आते हैं, हम हर एक पर्सन को इसको रेकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, बेबी शावर्स जब होते हैं, बेबी ओकेजन्स जो रहते हैं, तो ये उस टाइम भी बहुत ही अच्छे से हम डिलीवर कर सकते हैं, उन लोगों को कन्वे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, दिस इज ऑल अबाउट कि हमें कैसे पेशेंस रखना है, हमें कैसे अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, हमें कैसे हमेशा आगे बढ़ते जाना है, मूव ऑन करते जाना है सक्सेस की तरफ, ताकि हमारे जो एम है, जो हमारा डिजायर है, जो हमारे गोल है, वो हम अचीव कर सके। सो डेफिनेटली आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज का वेबिनार कैसा लगा, आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, किट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि वी कैन आंसर दोस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। सो आई होप जो आज हमने जिस स्टोरी के बारे में बात किया, आई होप आई बिलीव कि आज हमने जिस किट के बारे में बात किया, वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? सो डेफिनेटली ये जो हमारे सेशन है, ये फेसबुक लाइव है, तो हमारी कंपनी का साइट है, फेसबुक पेज है बेसिकली केवा काइको इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो डेफिनेटली आप वहां पे जाके इनके जो वीडियोस है, जस्ट बिकॉज अब ही जस्ट ये सेशन हो रही है, आप इस सेशन के बाद, वेबिनार के बाद आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट में ही वो ये वीडियोस रहेंगे, आप जरूर वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो समवन आस्क बेसिकली द प्राइस ऑफ द किट, तो डेफिनेटली जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो किट की जो प्राइस है बेसिकली 1300 है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली इसको जरूर हम लोग बोलेंगे, बिकॉज हर कोई बहुत ही अच्छे से इनको अवेल कर सकते हैं। एकता मैम, जस्ट बिकॉज यू आर को होस्ट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अबाउट द प्राइसिंग इफ पॉसिबल। हेलो, यस मैम, यू आर ऑडिबल। इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग। जो किट का प्राइस है, बेबी केयर किट का, दैट इज 1300। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड आई बिलीव जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था इस किट के प्राइस के बारे में, वो जरूर मिल गया होगा। तो हर एक घर में इस किट की जरूरत है, अगर जो घर में बहुत छोटे बच्चे नहीं है, डेफिनेटली उनके रिलेटिव्स जो है, उनके जो नोन पर्सन है, जरूर हर एक ना एक घर में बच्चे रहते ही रहते हैं, तो डेफिनेटली हर एक घर में ये किट होना भी काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि अच्छे से उनका जो फ्यूचर है, जो उनके ग्रोथ है, उसमें कुछ कमियां ना आए।
जस्ट बिकॉज जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे ग्रोथ के टाइम, हमें केयर करने के टाइम कोई कमियां नहीं रखी, तो हम क्यों हमारे जो आने वाले जेनरेशन है उनमें कमियां रखें? ओके, सो समवन आस्क्ड व्हाट ऑल आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. सो मैं आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ. आई बिलीव कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता चल जाएंगे. एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है इस किट में, ये 4 रहते हैं. बेसिकली हम लोग को यहाँ पे 4 चीजें, 4 चीजें हमें यहाँ पे पता चलेंगी, विच इज बेबी शैम्पू 100 ml के, बेबी बॉडी लोशन रहते हैं 100 ml के, बेबी मसाज ऑयल रहता है 100 ml का, एंड बेबी डायपर क्रीम रहता है 30 g का. इस किट के अंदर 4 प्रोडक्ट्स रहते हैं, 4 चीजें इंक्लूड रहती हैं, एंड दीज आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. सो आई बिलीव सर आपने जो ये क्वेश्चन किया था ये जरूर आपको मिल गया होगा, एंड आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा. ओके सॉरी इट्स अ मैम. सो आई बिलीव मैम आपने ये जो क्वेश्चन किया था इसके आंसर आपको मिल गए होंगे. थैंक यू सो मच. सो आई बिलीव कि जो हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा ग्रोथ है, ये हमारे ऊपर टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हम अपने माइंड को कैसा फीड करते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में. तो डेफिनेटली नेगेटिव वे में अगर हम फीड करेंगे तो हम और पीछे की तरफ गड्ढे में गिरने लग जाएंगे. अगर हम पॉजिटिवली फीड करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम और ज्यादा सक्सेस करने लग जाएंगे. सो डेफिनेटली आप इन सारी चीजों को ग्रैप कीजिए, इस जो बेबी केयर किट है इन सारी चीजों को ग्रैब कीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत हर घर में होती है. बट हमें जरूरत होती है कि हम अब पता करें, मतलब हमें पता नहीं रहता है व्हाट वी हैव टू डू अब, कि हम कैसे उस पर्सन को ये चीजें प्रोवाइड करें. तो डेफिनेटली लेडीज जो है, बेसिकली मेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट लेडीज जो है इसमें बहुत ही ज्यादा यू नो अपने सक्सेस को, अपने ग्रोथ को इसमें बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड जो हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम किसी से भी जब इजिली जब भी बात करते हैं तो हम अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझा पाते हैं कोई भी चीजों के बारे में. तब अगर हम जब भी बात कर रहे हैं तो पता चलता है कि हाँ बेबीज है यूज, तो डेफिनेटली उनको हम इन किट के बारे में बता सकते हैं. एंड डेफिनेटली इफ वी ऑल आर द फैमिली मेंबर ऑफ दिस कंपनी, इफ वी आर द फैमिली मेंबर ऑफ केवा, तो डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए बाय वन गेट वन की जो पॉलिसी होती है वो हमेशा हमें प्रोवाइड होती है. सो स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.